हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, कल रात को जो है सिकंदराबाद का जो फाइनल कट ऑफ है वो रिलीज़ हो चुका है, और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन डीवी के लिए हुआ है वो लिस्ट भी पूरी आ चुकी है। तो रात मैंने आपको वीडियो बना के अपडेट दिया था, लेकिन कम्प्लीट एनालिसिस हमने रात वाली वीडियो में नहीं किया था। तो देखो, ये वाला जो वीडियो है इसमें बिल्कुल कम्प्लीट एनालिसिस मैं करने वाला हूँ। मैंने अभी देखा, एक दो वीडियो में ऐसा बताया जा रहा है कि सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रॉन्ग तरीके से हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, एक एक चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से हुई है। कितनी सीट्स यहां पर नॉर्मल कैंडिडेट को मिली है आपको ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। यकीन मानो, ऐसा वीडियो पूरे YouTube पर सर्च कर लो नहीं मिलेगा जितना डीप एनालिसिस करके इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो कंप्लीट देखें। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा हमेशा की तरह, लेकिन आपको जानकारी कंप्लीट दूंगा। और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही जितने भी नोटिफिकेशन है वो पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डाटा की तरफ आते हैं। तो यहां पर पूरा डाटा मैंने आपके लिए जो है लिख लिया है, और आप चाहो तो PDF में जाके भी देख सकते हो। देखो, मैं आपको जो है डिटेल वाइज बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना। सिकंदराबाद में जो टोटल वैकेंसी थी वो 9328 थी। अब देखो, जिन लोगों को नहीं पता है फिर से बता दूं, ये जो आपकी 9328 पोस्ट है ना, इन्हीं के अंदर आपकी CCA की पोस्ट भी आती है, एक्स सर्विसमैन की पोस्ट भी आती है, और PWBD की पोस्ट भी आती है। ये अलग से नहीं होती है, मैं आपको बिल्कुल 100% कंफर्म ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, ये 9328 में से जो CC वालों की पोस्ट है वो 1867 है, और जितनी CC वालों की है उतनी ही यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की पोस्ट भी रहती है। तो 1867 यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है, और PWBD के लिए 125 सीट्स यहाँ पर रिजर्व करी गई थी। यानी कि अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो टोटल 3859 सीट जो है ना वो इनके पास रिजर्व थी। अब अगर हम टोटल में से ये 3859 जो है इसको माइनस कर देते हैं, तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो सीट थी वो 5469 थी, ठीक है ना। यानी कि 5469 जो सीट्स हैं सिर्फ ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए थी। अब देखो, यहाँ पर आपको देखने में लगेगा कि सिर्फ 5000 सीट्स हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, एक्स सर्विसमैन की लगभग सारी सीट्स नॉर्मल वालों को मिली हैं। इवन यहाँ पर आधी सीट जो CCA वालों की है वो भी एक नॉर्मल कैंडिडेट को मिली है। अब देखो, यहाँ पे देखना ध्यान से, आपको समझ आएगा। अभी जो रिजल्ट आया है ना, रिजल्ट में क्लियरली मेंशन किया है कि जो CC वाले स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो 987 हुए हैं, ठीक है। और देखो, सीट्स कितनी थी, 1867। यानी कि आप कह सकते हैं आधी जो सीट्स हैं वो यहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट के पास चली गई हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, एक्स सर्विसमैन, CC और PWBD, इनकी जो सीट्स बच जाती हैं वो नॉर्मल कैंडिडेट को मिल जाती हैं। अब देखो, एक्स सर्विसमैन सिर्फ यहाँ पर 55 सेलेक्ट हुए हैं, जबकि एक्स सर्विसमैन के लिए सीट्स यहाँ पे कितनी थी आप देख सकते हैं, 1867 सीट यहाँ थी, जिस पर सिर्फ 55 एक्स सर्विसमैन क्वालिफाई हुए हैं, बाकी सीट्स नॉर्मल को मिल गई हैं। PWD की 125 सीट थी, जिसमें सिर्फ 100 कैंडिडेट यहां पे क्वालिफाई हुए हैं, यानी कि 25 सीट ये भी बच गई हैं जो नॉर्मल कैंडिडेट को मिल गई हैं। देखो, अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, जो रिजल्ट है, तो टोटल यहाँ पर 1142 जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, जबकि इनकी सीट्स कितनी थी, 3859 यहाँ पे सीट थी। अब जो सीट्स यहाँ पर इनकी बची हैं वो कितनी बची हैं, देखो, 880 सीट बची हैं CC वालों की, एक्स सर्विसमैन की 1812 सीट बची हैं, और PWBD की 25 सीट बची हैं। टोटल हो जाते हैं 2717। तो ये 2717 सीट जो है नॉर्मल कैंडिडेट को मिली है। नॉर्मल कैंडिडेट की सीट कितनी थी यहाँ पर, देखो, 5469 सीट थी, जिसमें 2717 ऐड कर दोगे तो टोटल यहाँ पर जो है नॉर्मल कैंडिडेट की सीट हो गई है 8186, ठीक है। और जो नॉर्मल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 8161 सेलेक्ट हुए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है। यानी कि देखो, सिर्फ अभी बची है 25 सीट वैकेंट, और आप देख लेना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके या जो PDF है डाउनलोड करके देख लेना, 25 सीट यहाँ पे बची हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 8186 जो सीट थी उनमें से 8161 स्टूडेंट टोटल नॉर्मल के सेलेक्ट हुए हैं। अब देखो, ये यहाँ पर जो 25 सीट बची हैं, ये सीट्स पर जो है नॉर्मल कैंडिडेट को कट ऑफ लो करके बुलाया जाएगा। अभी आगे हम लोग बात करेंगे, पहले कट ऑफ देख लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर कट ऑफ जो है आपका UR के लिए था 57.38, OBC के लिए 52.46, SC के लिए 46.38, ST के लिए 43.57, और EWS का 40.40। ये PET के लिए जो कट ऑफ था वो था, ठीक है। अभी देखो, जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हुआ है UR में 2.7, ये हो चुका है 60.17, और OBC में इंक्रीज हुआ है 5.6, ये हो चुका है 58.12, SC में इंक्रीज हुआ है 5.2, ठीक है, तो ये हो चुका है 51.62, ST में इंक्रीज हुआ है 7.3, तो ये हो चुका है 50.89, और EWS में रिकॉर्ड तोड़ के यहाँ पे 10 नंबर यानी कि 10.77 इतना इंक्रीज हुआ है। देखो, ST का तो मैंने आपको पहले से ही बताया था, ST का कट ऑफ पिछली बार भी सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, एक वीडियो में मैंने पूरा एवरेज निकाल के भी आपको बताया था। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट को मौका मिल सकता है। अभी मैं आपको बता दूँ, देखो, 25 सीट तो ये बची हुई है, ये तो मिलेंगे ही नॉर्मल कैंडिडेट को, यानी कि यहाँ पे कट ऑफ लो करके नॉर्मल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और बात ध्यान रखना, देखो, जैसे ये 8161 कैंडिडेट नॉर्मल के जो बुलाए गए हैं, और ये 1142 ये बुलाए गए हैं, इनमें से ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वालिफाई होंगे या सारे ही जाएंगे। मान के चलो, मैं आपको बता देता हूँ, अगर NTPC में आप लोगों को याद हो तो NTPC में लेवल 6 के DV तक में स्टूडेंट एबसेंट थे,
यानी कि वहाँ पे भी जो अटेंडेंस था ना वो 80-85% के अराउंड ही था। 15% स्टूडेंट जब NTPC में एबसेंट रह सकते हैं, तो ये ग्रुप डी है। यहाँ पे मान के चलो ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर NTPC के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर 20% स्टूडेंट यहाँ पर एबसेंट हो जाते हैं, या इसको चलो कम करके भी मान लो आप 15% ही मान लो कि 15% स्टूडेंट DV में एबसेंट हो जाते हैं, तो यानी कि 15% जो यहाँ पर सीट्स बचेंगी वो मिलेंगी नॉर्मल को। उसके अलावा DV मेडिकल में कुछ परसेंट रिजेक्ट भी होंगे, मान लो कि DV मेडिकल में बहुत कम स्टूडेंट रिजेक्ट होते हैं, मान लो कि आप जो है 5% मैक्सिमम यहाँ पर रिजेक्ट होते हैं, तो अभी भी 20% सीट्स यहाँ पर वैकेंट हैं नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। तो ये बात तो कंफर्म है कि सेकंड पैनल थर्ड पैनल यानी कि कट ऑफ लो करके स्टूडेंट को तो बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि कितना कट ऑफ लो होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कट ऑफ की भविष्यवाणी कोई भी यूट्यूबर नहीं कर सकता है, सिर्फ हम आइडिया ही लगा सकते हैं। डाटा मैंने आपके सामने रख दिया है, डिसाइड आपको करना है। अब हो सकता है कि एक नंबर डिक्रीज हो जाए, हो सकता है पॉइंट्स में डिक्रीज हो सकता है दो नंबर डिक्रीज हो जाए, ये फ्यूचर में आपको पता लगेगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि लगभग 20% जो सीट्स हैं उन पे अभी भी चांसेस स्टूडेंट के बनते हैं। तो जिनके भी बाउंड्री मार्क्स पर है ना, जो पॉइंट्स में जिनके कम है, वो तो मान के चलो कि उनके तो बिल्कुल चांसेस है कि उनको बुलाया जाए। इवन जिनका एक नंबर डेढ़ नंबर तक दो नंबर तक भी कम है, उनके भी चांस यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये किसी को आइडिया नहीं है कि कितना कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है। तो ये मैंने पूरा एनालिसिस आपके सामने रखा है, ये वाला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मैं अपने टेलीग्राम में दे दूंगा, आप इसको दोबारा से जाके रीचेक कर लेना, ध्यान से चेक कर लेना, बिल्कुल एक एक चीज़ें मैंने वेबसाइट से लेके यहाँ पे आपको बताई हैं। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।